फाइनली सुशांत सिंह राजपूत के फैंस की जीत हुई। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस जितना मेहनत किया उन्हें सैल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इतना मेहनत नहीं करते हैं, इसकरण सिंह भंडारी अगर नहीं आते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी नहीं आते, शेखर सुमन जी नहीं आते, आवाज़ें नहीं उठती और एंड में अगर रिपब्लिक टीवी नहीं आती, नीतीश कुमार अगर नहीं आते तो CBI जांच नहीं बैठ पाती और हाँ, मुंबई पुलिस अगर मिस्टेक नहीं की होती तो CBI नहीं बैठती। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला था क्योंकि वहाँ अर्जी डाली थी रिया चक्रवर्ती के जो एडवोकेट हैं, उन्होंने डाली थी कि ये मामला मुंबई का है तो प्लीज़ आप लोग इसे ट्रांसफ़र करें मुंबई में, पटना में ना रखें। तो अब दोनों चीज़ों को कैंसिल कर दिया, ना ही ये मामला पटना का होगा बिहार का और ना ही ये मामला अब मुंबई का होगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन्फॉर्म कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी कि मोदी सरकार को कि आप लोग इस केस को CBI को हैंड ओवर कर दें। बड़ी खबर दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है कि CBI इंक्वायरी के लिए अब अर्जी दे दिए, मतलब अपनी मंजूरी दे दिए सुप्रीम कोर्ट। आज फैसला आने वाला था तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इन्फॉर्म कर दिया सेंट्रल को, मोदी सरकार को, अमित शाह को कि आप लोग इस केस को अब CBI को दे दें, क्योंकि एक तरफ लड़ाई चल रही थी कि इस केस को मुंबई में रहने दें, एक तरफ चल रही थी कि CBI बैठाया जाए। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का क्या सही लगा होगा, एक तरफ तो ये मुंबई मंगा रहे, वापस ट्रांसफर करा रहे, दूसरे तरफ पूरा हिंदुस्तान एक तरफ हो चुका है, तो उस चिलो को कैसे खारिज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। और जो एविडेंस सुप्रीम कोर्ट के दिखाए गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि CBI जरूरी है इस केस में और सेंट्रल को इजाजत दे दिए, हैंड ओवर कर दिया है कि आप लोग CBI बैठा दें। तो अब CBI इंक्वायरी बैठ गई, बड़ी खबर, खुशखबरी है फैंस के लिए, अब बड़े बड़े लोगों की जो पोल है वो खुलने वाले हैं। और मैंने इससे पहले भी बहुत सारे लोगों के वीडियो बनाए हैं आज, तो वो मैं अपलोड करूंगा, लेकिन मैंने ये वीडियो पहले इसलिए बनाया क्योंकि ये सबसे बड़ी सबसे अच्छी खबर थी, लेकिन मैंने आज ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जो मैं आने वाले टाइम में वीडियो डालूंगा। अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब करके बने रहें। नमस्कार।